हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की ट्रेडिंग रहने वाली, क्या स्ट्रेटजी बन रही है, ओवरऑल कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे। आप नए हैं जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहते हैं किस तरह से क्या सेंटीमेंट्स होने वाला है। एक अच्छे लेवल पर मार्केट बना हुआ है, उसके बाद फर्दर क्या रिएक्शन होने वाली है इसको हम देखेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मिल जाता है। सबसे पहले आप क्लोज फॉर डिस्क्लेमर, बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, हम लर्निंग पर्पज़ के लिए देख रहे हैं, तो आपको लर्निंग पर्पज़ के लिए फोकस करना है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कल की थी, हमने जो डिस्कस किया था कि अगर ये 103 के नीचे निकलता है तो फिर 103.3, ये जो रेंज इसने बना रखा था 103.1, उसके बाद 103 के पास अप्रोच करेगा, और इसके पास जो 103 का लेवल था लगभग उसने उसके आसपास पहुँचा है 102.998 के आसपास बना है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन जो हमने ड्रा किया है सिमिलर टाइप का रहेगी। हायर साइड में एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, तो इसको दोबारा से जो रेंज बना हुआ है, ये रेंज इसको एज ए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, जो इसको स्मॉल रेजिस्टेंस की हम बात कर सकते हैं। तो ये इसके लिए एक फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया 103.235, और डाउन साइड के लिए 103 ऑलरेडी एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। तो इसके बीच में अगर ओवरऑल कंडीशन आप देखते हो तो अभी भी मार्केट में क्लियर इंडिकेशन नहीं है। एक अच्छा पुलबैक यहाँ से बनाया था, बट स्टिल अभी ये मार्केट के लिए जो दो टेंशन बनी हुई है, एक है कि मिडिल ईस्ट की टेंशन, दूसरी है जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिस्कशन आना है, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज लोगों के आते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा है जो कि 6 बजे के आसपास आएगा, तो 6 बजे के आसपास आपको अलर्ट रहना होगा कुछ भी नए मोमेंटम के लिए। 2400 का लेवल इम्पोर्टेंट था गोल्ड के लिए, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से डाउन साइड निकलता तो 2390 और 2385, ये सारे लेवल्स इसको देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि इसने प्राइस पैटर्न में बना रखा है। कोई यहाँ पर श्योर शॉट नहीं है कि ऐसा ही होगा, बस ये अगर यहाँ से नीचे निकलता तो इसके लिए जो इसने प्रीवियस डे में 2400 के आसपास रेंज बना रखी है, अगर यहाँ से नीचे निकलता है इसको मैं आपके लिए 2400 के आसपास ड्रैग कर देता हूँ, तो जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि 2400 के आसपास जब भी आएगा तो यहाँ से एक कंडीशन ऐसी कुछ बना सकता है। प्लस माइनस आप एज पर योर रिस्क रिवार्ड आप मैनेज कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स के बेस पे। तो अब ये 2406 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आज भी ये इस लेवल पे आया है, फिर दोबारा से पुल बैक किया। तो अल्टीमेटली इस जोन पे अगर आप देखोगे 2 से 3 बार इसने टच कर लिया, दोबारा से आता तो एक थोड़ी वीकनेस के चांसेस बनते हुए देखने को मिलेंगे। गोल्ड कल की जो ट्रेडिंग रही है इंडियन गोल्ड की, एक साइडवेज में रहा है, बहुत कम नैरो जोन में ट्रेड किया है। अगर इसका लो का फॉर्मेशन करते हैं तो 68,600 के आसपास बनाया है, और हाई का फॉर्मेशन 68,900-600 में 350 से 400 पॉइंट के बेस में रेंज किया है। तो ये रेंज एज इट इज़ आज के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर डाउन साइड निकलता है तो डेफिनेटली ये जो एक बॉटम क्रिएट किया था यहाँ तक का इसके रेंज ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि 68,250 के आसपास तक का जोन बन सकता है। तो ये सारी कंडीशन अभी यहाँ पे बना रहा है। अब इसके बाद में सिल्वर को हम देख लेते हैं। ओवरऑल कंडीशन अभी जो सिल्वर की बनती हुई देखने को मिल रही है सिल्वर कॉमेक्स को, तो यहाँ पे 27.235 या फिर 3 आप कंसीडर कर लीजिए, ये रेजिस्टेंस जोन है। डाउन साइड में प्रीवियस डे का लो इसका था, इन सभी को ब्रेक करता हुआ जहाँ पे इसको एक पुल बैक मिला था, इस लेवल पे इसने एक कैंडल बनाया है। एक कैंडल अगर आप वॉच कर सकते हैं तो यहाँ पे एक आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी कि ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा रिवर्सल प्लान, जो ऐसी कोई कंडीशन होती है तो एक रिवर्सल प्लान होता है, जनरली वो वर्क भी करता है। अब उसके बाद में सेकेंड अगर आप यहाँ पे देखते हो, इसके बाद में जो रेजिस्टेंस है 27 का लेवल है जिसको इसने ब्रेकडाउन किया था, तो ये जोन इसके लिए 27 का एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो इसने प्रीवियस डे में 6 और 7 को लगातार ट्रेड किया है। तो जोन 1 जोन 2 जो हमने देखा था डाउन साइड के लिए भी इसने 26.4 तक का लेवल अप्रोच करने की कोशिश किया है, लो का फॉर्मेशन इसका जो रहा है लगभग 5 तक का रहा है। तो ओवरऑल कंडीशन यहाँ भी देखते हो तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करते हुए एक डाउन ट्रेंड का ही मार्केट है, बट एक रेंज का फंसा हुआ है। रेंज ब्रेकआउट करने का भी टाइम आने वाला है, और इस टाइम आपको आज सेकेंड हाफ में पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देखने को मिल रही है। कल जब हम मॉर्निंग में डिस्कशन कर रहे थे उस समय कंडीशन जो थी एक रेंज का फॉर्मेशन था सिल्वर मिनी में भी और माइक्रो में भी। सिमिलर तरीके से ओवरऑल जो पूरे दिन की ट्रेडिंग रही है एक नैरो जोन में रही है, लेकिन सेकेंड हाफ के बाद में एक कैंडलस्टिक पैटर्न ने लो का फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया, और जो प्रीवियस डे है उसके आसपास क्लोज किया है। तो सबसे पहले इसने जो 79,000
के आसपास क्लोजिंग किया है, ये इम्पोर्टेंट है। आज अगर ये कुछ नीचे की तरफ निकलता है तो इसके लिए जो फर्स्ट जोन बनता हुआ देखने को मिल रहा है 78,500 का जोन, ये पहला जोन इसके लिए सपोर्ट के लिए बनेगा, आपको ये वॉच करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस जोन ऑलरेडी इसके लिए 79,900 का जोन रहने वाला है। तो इस बीच में आज इसकी ट्रेडिंग पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देखने को मिल रही हैं, हायर साइड और लोअर साइड के लिए पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बन रही है कि थोड़ा सा ये डाउन साइड के लिए पॉसिबिलिटीज़ बनाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन प्लान करेगा। तो ओवरऑल कंडीशन के लिए दो जोन बने हुए हैं, यहाँ से नीचे निकलेगा तब इसके लिए एक जोन लगभग 500 पॉइंट का ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर 80 के ऊपर निकलता है, 79 के ऊपर निकलता है तो इसके 80,500 700 ये लगभग 500 से 700 पॉइंट का जोन ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। अब फ्रेंड डिपेंड करता है कि कैसे प्राइस पैटर्न वर्क कर रहा है। ओवरऑल कंडीशन अगर आप देख रहे हो, बड़ी गिरावट के बाद में एक जोन का फॉर्मेशन है। अब जोन का फॉर्मेशन भी लगातार ये डाउन साइड को ही हिट कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको अलर्ट लेवल बना के रखना होगा। जब भी एक कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट के पास बनता है जो इसको पुश करने वाला है, तभी आपको बाइंग के लिए देखना, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के साथ जाना होगा, अदरवाइज यहाँ पे रिस्क हो सकता है। सिमिलर टाइप से अगर सिल्वर माइक्रो के विषय हम देखते हैं, सिल्वर माइक्रो के लिए जो हमने दो जोन डिसाइड किया था, इवनिंग में हम ट्रेड कर रहे थे जब यहाँ पे कहीं ट्रेडिंग इसकी चल रही थी 79,500 के आसपास। फर्स्ट जोन हमारे लिए था जो 79,000 का लेवल था, 78,997 ये सब बना हुआ था। इसके बाद में सेकंड जोन जो यहाँ तक फर्स्ट जोन था, इसके बाद ये बफर जोन हमने ले रखा था कि इस जोन पे आने के बाद प्राइस पैटर्न बनाता है तो डेफिनेटली आपको फिर नेक्स्ट 500 पॉइंट आपको डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो 79,000 जो इसका जोन का फॉर्मेशन है उसके आसपास ये लगभग क्लोज करने में कामयाब रहा है, बट अब इसके लिए नेक्स्ट लेवल है जिसमें ऑलरेडी दो से तीन बार हिट कर दिया है 78,400। अगर इनकेस यहाँ से ऊपर निकलता है तो आपको 79,500 के ऊपर निकलने पे दोबारा से 500 पॉइंट का हायर साइड का जोन का फॉर्मेशन करेगा। और ओवरऑल कंडीशन अगर आप देखते हो तो लगातार इस जोन को ही हिट कर रहा है, तो ये जोन पे कहीं ना कहीं वीकनेस बनी हुई है। इवन 78,500 पे भी ये दो बार आ चुका है, थर्ड टाइम अगर आता है तो यहाँ पे और भी वीकनेस होने के चांसेस बनेंगे। और यूएस डाटा अगर अगेंस्ट में आता है, एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिमिलर टाइप से अगर गिरता हुआ देखने को मिलता है तो दोबारा से यूएस इकोनॉमी में प्रेशर पड़ेगा और उसके कारण डॉलर पे भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखेगा, जो इंटरेस्ट रेट कट है उसका प्रेडिक्शन भी बढ़ जाएगा। तो ये सारी कंडीशन कहीं ना कहीं सिल्वर के लिए उतनी बेटर होती हुई नहीं देखने को मिलेगी। सिमिलर अब हम 4 आवर में अगर सेटअप में देखते हैं 4 आवर कंडीशन क्या बनी हुई है। 4 आवर कंडीशन में भी बाइंग की ऐसा कोई अभी पॉसिबिलिटीज यहाँ बनती हुई नहीं देखने को मिल रही, बायर्स हमेशा अलर्ट पर रहे फिलहाल के लिए। अब ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे जो 80,000 से लेके 79,000 तक का जोन है ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर और नीचे 500 पॉइंट इमीडिएट बेस से ओपन होते हुए चांसेस बनते हुए देखने को मिले, जैसा कि प्राइस पैटर्न प्रीवियस वीडियोस में बना रखा है और कंडीशन में हो रखा है। सिमिलर तरीके से अगर डेली में अगर आप देखते हैं, डेली में भी प्राइस पैटर्न बहुत ज़बरदस्त तरीके से फॉलो कर रहा है। इस कैंडल में थोड़ा सा पुल बैक का एक्सपेक्टेशन था बट स्टिल इसने इसको फॉलो नहीं किया, दोबारा से डाउन साइड में क्लोज किया है। पॉइंट्स कम है, 600-700 पॉइंट का, बट स्टिल ओवरऑल कंडीशन नेगेटिव में क्लोजिंग किया है। तो आज की भी ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, ये जोन आपको अलर्ट लेवल में ट्रेड करना है। ये जो इस जोन में आपको 300-400 पॉइंट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना, जब इसका हायर साइड लोअर साइड ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा तभी आपको पॉसिबिलिटीज बड़ी होती हुई देखने को मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का पॉसिबिलिटीज भी इसी जोन का रहने वाला है। ओवरऑल कंडीशन जैसे रहेगा हम उसको डिस्कस करेंगे। इवनिंग का 6 बजे का टाइम देखना मत भूलिएगा, जैसा भी प्राइस पैटर्न रहेगा उसको आपको फॉलो करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।